हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पोयम। पोयम नेम है चाइल्डहुड, जिसे लिखा है मार्कस नेटन ने। इसका पार्ट वन वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग में मैंने एक गाना गाया था कि वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी क्यों, डर लगता है करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, जो कि आपका पोयम से रिलेट करता था चाइल्डहुड, बचपन से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चल गया। ऐसा नहीं है कि उनको किसी से इश्क हो गया और उन्होंने अपने लवर के बारे में इसमें लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में उनका बचपन कहीं चला गया, खो गया है हमसे, यानी कि वो बड़े हो गए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो बताते हैं कि क्या जो बड़े, जो कि दिखाते हैं कि वो बहुत समझदार, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, कि एक्चुअल में वो वैसे नहीं रहते हैं। तो वो जानने के बाद क्या मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। तो इस वीडियो में हम आगे जान लेते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। When did my childhood go? Was it when I found only mind was really mine to use whichever way I choose? तो यहाँ वो कहते हैं क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया, जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो दिमाग है वो मेरा खुद का है, उसमें जो भी thoughts हैं वो मैं खुद से generate कर सकता हूँ, उसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे thoughts मैं खुद जनरेट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ और उन्हें खुद पूरा भी कर सकता हूँ। जो भी सपने देखता हूँ मैं खुद उन्हें पूरा कर सकता हूँ थॉट्स के थ्रू जनरेट करके। तो क्या ये वो दिन था जब मुझे ये सच्चाई पता चल गया कि मैं किसी और पे आधारित नहीं हूँ, पूरी तरह से खुद पर हूँ? क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? कब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया? वो बार बार यही पूछ रहे कि कब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone was that the day. तो वो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि क्या खुद के thoughts जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, मुझे ये पता चल गया कि मुझे खुद से क्रिएट करना, किसी और के thoughts मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होने वाले, मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। मैं जो खुद अपने thoughts क्रिएट करूँगा वो मेरी लाइफ, आगे की जो लाइफ है वो तय करने वाला हूँ। जो कि मेरे खुद के थॉट्स होंगे वो मेरे आगे के लाइफ को तय करेंगे। तो क्या ये वो दिन था जब मैं ये जान गया तब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया? अब लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? यहाँ अब तक तो वो क्या पूछ रहे थे कि मेरा बचपन कब मुझसे दूर चला गया, लेकिन लास्ट स्टेंजा में वो ये पूछ रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो लास्ट स्टेंजा में वो ये पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब तक तो वो ये पूछ रहे थे कि मेरा बचपन कब मुझसे दूर चला गया, अब आखिरी के स्टेंजा में पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, दैट्स ऑल आई नो। तो यहाँ वो कह रहे कि मैं वो जगह भी भूल गया हूँ, शायद वो याद करने लायक जगह भी नहीं था कि कहाँ मेरा बचपन मुझसे छूट गया, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया और वो जगह भी मैं भूल चुका हूँ जहाँ मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। शायद अब वो सोच रहे कि शायद मेरे ख्याल से वो एक बच्चे के अंदर चला गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट, जो बिल्कुल वो गोद के जो बच्चे होते हैं या नॉर्मली जो घुटने के बल पे चल रहे थे, शायद उन बच्चों के अंदर मेरी जो अंदर के बचपन था, मेरे अंदर की जो मासूमियत थी, वो शायद उन बच्चों के अंदर चला गया। ऐसा ये उन्होंने अपने थॉट के हिसाब से बताया। तो इस पोयम में पूरे स्टार्टिंग से लेके थर्ड स्टैंजा तक पोएट यही पूछ रहे होते कि मेरा बचपन कब मुझसे दूर चला गया, कब चला गया, कब चला गया। आखिरी में पूछते हैं कि वेयर, कहाँ चला गया। आखिरी के स्टैंजा में पूछते हैं पोएट कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गए होंगे। पोयम से कंक्लूजन यही निकलता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। चीज़ों की समझ हमारे अंदर जैसे जैसे आते जाती है ना, तो हमारा बचपन हमसे दूर चला जाता है और हम समझदार होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। तो वो ये एक कंक्लूड यही निकलता है पोएम का कि किस तरह से जब हम बड़े होते हैं तो हमारा कैसा एटीट्यूड होता है, हम कैसे अपने बचपन को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, आगे होके समझदार होते चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।